ये कोरियन मूवी देखकर आपको रोना आ जाएगा और गुस्सा भी आएगा कि आखिर एक अच्छे इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये स्टोरी है एक बेचारे आदमी और उसकी बेटी की, जो काफी गरीब थे पर अपनी दुनिया में खुश थे, पर उनकी खुशियों को नजर लग जाती है। वेलकम टू माई चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कोर्ट में एक केस चल रहा था, पर वो केस किस बारे में था ये जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। तो मूवी पास्ट में चली जाती है, जहां हम इस बच्ची और उसके पापा को डांस करते हुए देखते हैं। ये है ली। उसका दिमाग एक बच्चे की तरह था, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था और अपनी बच्ची को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। अब यहाँ इस शॉप के बाहर ये दोनों इस येलो बैग को देख रहे थे। तब ली कहता है कि कल मुझे सैलरी मिलने वाली है, तब हम ये बैग जरूर लेंगे। ये सुनकर उसकी बेटी ये संग बहुत खुश होती है, पर तब ये बैग कोई खरीद लेता है। तब वो दोनों अंदर जाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस बैग को देख रहे हैं, ये लास्ट बैग है। अब ये आदमी कमिश्नर था। तब ली कहता है कि बच्ची बहुत प्यारी है और वो बैग को निकालने जाता है। तब उस बच्ची के पापा उसे मारते हैं। येसंग भी बहुत रोती है। अब रात को येसंग कहती है कि सिर्फ उसी शॉप में वो बैग थी। तब ली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वैसा ही बैग लेकर आऊंगा। तब वो कहती है कि नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए, पर वो उसे मना लेता है। येसंग ही उसकी पूरी दुनिया थी और वो दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वो रोज सुबह अपने पापा को हेल्प करती, वो रोज खुशी से अपने काम पर जाता। ली एक मॉल में काम करता था और आज उसे सैलरी मिलती है और वो बच्ची भी उसी मॉल में आई थी और वो उसे देख लेती है और कहती है, अंकल क्या आपको ये बैग मिली? एक दूसरी शॉप है जहाँ ये बैग मिलेगी। वो बच्ची उसकी हेल्प करना चाहती थी और वो उसे अपने साथ ले जाती है। ली भी बहुत खुश था, पर तब कुछ ऐसा होता है जिससे ली की पूरी जिंदगी बदल जाती है। यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जो उस मार्केट से जा रही थी। तब वो देखती है कि बच्ची नीचे गिरी हुई थी, उसके सर से खून बह रहा था और वो ली को उसके पास देखती है और बहुत डर जाती है। अब क्या सच था क्या झूठ, ये हमें आगे पता चलेगा। अब येसंग अपने पापा का वेट कर रही थी, पर वो नहीं आता क्योंकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। सारी मीडिया भी वहां थी, पर ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग येसंग स्कूल जाने के लिए अकेली रेडी होती है। यहाँ ली को उस क्राइम सीन पर वापस ले आते हैं और पूछते हैं कि उसने उस बच्ची को कैसे मारा। वो बताता है कि वो कैसे गिरी और उसने क्या किया, पर उसकी पूरी बात सुने बिना ही वो उसे ले जाते हैं। तब येसंग उसे देख लेती है और बहुत रोती है, पर वहां से भी वो कहता है कि बेटा तुम घर जाओ वरना तुम्हें बुखार आ जाएगा। अब ये केस बहुत बड़ा हो चुका था और इसे जल्द से जल्द सॉल्व करने का ऑर्डर दिया गया था, तो ली को जेल हो जाती है। अब उसे इस जेल में भेजा जाता है। अब चीफ के रूम में फोन देखकर वो येसंग को कॉल करने जाता है। तब चीफ उसी फोन से उसे बहुत मारता है। अब ली को इस सेल में डाल देते हैं, जहां दूसरे कैदी थे किम, चश्मिश एक अंकल, टाइगर जो एक गैंगस्टर था और उसका असिस्टेंट। और ली के आते ही वो उसकी फाइल में उसका क्राइम देखते हैं और वो सब उसे बहुत मारते हैं। उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। अब येसंग को एक ऑर्फेनेज में भेज देते हैं। वो बहुत सैड थी। अब यहाँ हमें थोड़ी सी जेल की लाइफ भी बताते हैं, जहाँ इन कैदियों को काम दिया जाता था। ये सब फुटबॉल बना रहे थे और खेलते खेलते बॉल बाहर जाती है। तब वो कहते हैं कि अगर कोई बाहर है तो प्लीज बॉल अंदर फेंके, और तब उस बॉल में कुछ चॉकलेट्स थे। वो ऐसे ही अपने लिए कुछ चीजें मंगाते। तब ली देखता है कि एक गुंडा टाइगर पर अटैक करने जा रहा था।
पर तब ली बीच में आ जाता है और टाइगर उस गुंडे को बहुत मारता है। तब पुलिस वहां आ जाती है। अब यहाँ टाइगर कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब असिस्टेंट कहता है कि तुम मांग कर तो देखो, टाइगर अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। तब ली कहता है ये संग। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी ऑर्फेनेज के बच्चे वहां आए थे और ये संग भी वहां थी। जेल में कभी कभार ऐसे इवेंट होते थे, सब डांस कर रहे थे। तब ये संग को असिस्टेंट एक बॉक्स में डालकर उसके सेल के अंदर ले जा रहा था। भाई साहब की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी और वो ये संग को जैसे तैसे करके ले आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रोते हैं। वो बिचारी कहती है, पापा आप बिना बताए कहाँ चले गए थे। तब किम कहता है कि तुम लोग पागल हो क्या, अगर हम पकड़े गए तो हम गए काम से। और वो खुद पुलिस को बुलाने लगता है। दूसरे कैदी उसे रोकते हैं, वो सब बहुत डर जाते हैं। तब ये संग उसका हाथ पकड़कर रोती है, तब वो कुछ नहीं कहता। अब उन दोनों का प्यार देखकर वो सब खुश हो जाते हैं। तब ये संग कहती है, पापा आप बुरे इंसान नहीं हो, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब अंकल कहते हैं कि बेटा ये हमारा स्कूल है। तब असिस्टेंट देखता है कि उस ऑर्फेनेज के बच्चे जा रहे थे, तो वो ये संग को बॉक्स में डालकर फुल स्पीड में वापस ले जाता है। पर तब तक उनकी बस जा चुकी थी, तो उसे वापस लाना पड़ता है। अब ये संग और ली तो बहुत खुश थे, पर इन सबको बहुत टेंशन हो रही थी। अब यहाँ जेल साफ करते वक्त चश्मिश टाइगर को कहता है कि 2 दिन बाद एक और इवेंट होने वाला है, तब हम उसे वापस भेज देंगे। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाते हैं। रात को ये संग बात कर रही थी, तब पुलिस वहां आ जाते हैं। वो ये संग को छुपा देते हैं। तब वो कहता है कि मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तब ये लड़की की आवाज में कहता है कि वो मैं ही था। अब उस इवेंट के दिन टाइगर उसे फटाफट स्टेज पर लाकर छोड़ता है। वो उसे अपना ख्याल रखने कहता है, पर वो देखते हैं कि वो उस ऑर्फेनेज के बच्चे नहीं थे, तो फिर से उसे वापस लाना पड़ता है और चश्मिश को काफी मार पड़ती है। यहाँ चीफ उस इवेंट की फोटो देख रहा था कि तब उसका ध्यान जाता है कि ये बच्ची दूसरे फोटो में गायब हो चुकी थी। यहाँ सब टेंशन में थे। किम कहता है कि अगर वो सबका रूम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे। तब वो पुलिस आकर अंदर देखता है और सडनली नीचे के विंडो से भी देखता है। तब वो ये संग को ऊपर उठा लेते हैं, पर तब चीफ उसे देख लेता है और सबके होश उड़ जाते हैं। चीफ बहुत गुस्सा हो जाता है और ली को मारता है कि तुमने अपनी ही बेटी की उम्र की एक बच्ची को मारा है। अब ली को अलग सेल में डाल देते हैं और ये संग को वापस भेज देते हैं। वो बहुत रोती है। नेक्स्ट डे जेल में आग लग जाती है और सभी कैदियों को ग्राउंड पर ले जाते हैं। तब ली चीफ को अंदर देखता है और उसे बचाता है। अब डॉक्टर चीफ से कहते हैं कि इसने टाइम पर तुम्हारी जान बचाई, और क्या ये सच में एक क्रिमिनल है। अब नेक्स्ट डे ये संग टीचर से हेल्प मांगती है और वो उसे पापा से मिलने ले आती है। वो अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होता है, पर टाइम खत्म होने पर दोनों बहुत रोते हैं। अब ये देखकर चीफ का दिल भी पिघल जाता है। एक्चुअली उनका भी एक बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी। अब वो उस पर नजर रखते हैं। तब ये संग हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब ये मैडम कहती है कि अब हम उसे ऑर्फेनेज में नहीं रख सकते, उसे कहीं और भेज दो। तब वो बच्ची कहती है, अंकल मुझे पापा से ज्यादा दूर नहीं जाना, आप मुझे भी अरेस्ट कर लो। ये देखकर चीफ की आंखें भी नम हो जाती है। तब चीफ एक डिसीजन लेता है और वो ये संग को उस सेल में रहने देता है। वो बहुत खुश हो जाता है और चीफ को थैंक यू कहने आता है। तब वो रूडली कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है। यहाँ किम कहता है कि अब मुझे भी मेरा बच्चा चाहिए। तब टाइगर कहता है, तुम पागल हो क्या, हमने क्या यहाँ नर्सरी खोल रखी है। तब उसे रोते हुए ये संग देख लेती है और नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड का सेल फोन लेकर आती है और किम अपनी वाइफ से बात कर बहुत खुश होता है। यहाँ चीफ ली की फाइल चेक करता है और उसे कुछ डाउट आता है। वो ये संग को स्कूल से लेने जाता है
और उस बच्ची को देखकर उसके मुंह पर स्माइल आ जाती है। अब येसन टाइगर को एबीसीडी सिखाती है। वो सब अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। तब पुलिस ली को उसकी सुनवाई की डेट बताता है और उसे प्रिपेयर होने कहता है। अब वो सब उसकी मदद करते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ होगा। एक्चुअली उस मार्केट में काफी पानी जम गया था। तब ली फिसल कर गिर जाता है और वो बच्ची भी गिर जाती है। उसने बैग पहना था तो उसे जोर से सर पर लगती है और तब प्लास्टिक के ऊपर रखा हुआ एक पत्थर उसके सर पर गिरता है। तब टाइगर कहता है कि यहाँ तक तो स्टोरी समझ में आ गई, पर उस औरत ने जो देखा वो क्या था? तुम उस बच्ची के साथ क्या कर रहे थे? तब वो बताता है कि उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर किसी की जान खतरे में हो तो उसे CPR कैसे देना है। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि उसने कुछ नहीं किया था, वो तो उल्टा उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उस औरत ने गलत समझ लिया। वो ना कभी किसी के बारे में बुरा कहता ना सोचता, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। तब वो सब उसे सिखाते हैं कि उसे कोर्ट में क्या कहना है। वो बहुत प्रैक्टिस करता है। यहाँ चीफ को भी पता चल गया था कि वो इनोसेंट है। वो उस कमिश्नर को फिर से इन्वेस्टिगेट करने कहता है, पर वो नहीं मानते। उसे अब भी लग रहा था कि ली ने ही उसका मर्डर किया था। अब कोर्ट में जाते वक्त चीफ कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तब लॉयर बार बार पूछते हैं, क्या तुमने उस बच्ची को मारा था? हमें बताओ, क्या तुमने उस बच्ची को मारा था? और तब वो कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारा था। सब शॉक रह जाते हैं। चीफ कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक्चुअली अंदर जाने से पहले ये कमिश्नर येसंग के नाम पर उसे धमकाता है और वो बहुत भोला था। उसे लगा कि वो सच में येसंग को कुछ कर देंगे, इसलिए वो वैसा ही करता है जैसा उसने कहा था। तब जज उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। अब चीफ येसंग को अपने घर ले जाते हैं। वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और उसे ली से मिलने लेकर आते। वो भी बहुत खुश था। अब क्रिसमस से पहले ही ली को फांसी की सजा होने वाली थी। बस कुछ ही दिन बचे थे, पर उसे कुछ मालूम नहीं था। उन सबको बहुत बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि हमें उसके लिए कुछ स्पेशल करना होगा। तब वो देखते हैं कि येसंग ने वॉल पर एक ड्राइंग बनाई थी, तो वो सब छुपकर एक पैराशूट बनाते हैं। और कुछ दिन बाद जेल में एक इवेंट होता है। वो बाहर पैराशूट रखते हैं जिसमें वो येसंग और ली को डाल देते हैं और वो सब पुलिस को रोकते हैं, पर वो पैराशूट वही अटक जाती है। पर वो दोनों बहुत खुश थे। उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। अब वो येसंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे गिफ्ट्स देते हैं। तब ली उसे गिफ्ट में उसकी फेवरेट बैग देता है और वो उसे थैंक यू कहती है और सब इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आज ही वो दिन था जब उसे फांसी की सजा होने वाली थी। वो उन सबको थैंक यू कहता है। तब वो येसंग को जाने कहता है और येसंग कहती है कि मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी, मैरी क्रिसमस पापा। वो उसके गले लगता है। कहीं ना कहीं उसे समझ आ गया था। तब उसे ले जाते हैं, पर उस कमरे को देखकर वो अपनी बेटी के पास वापस भागकर आता है और बहुत रोता है। वो मदद मांगता है। उसे देखकर येसंग भी बहुत रोती है। वो कहती है, पापा क्या हुआ, आप मत रोइए, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। पर उस बच्ची को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। ये देखकर चीफ भी रोने लगता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। सब रो रहे थे। सच में ये सीन बहुत ही इमोशनल था और उसकी डेथ हो जाती है। अब कई साल बाद येसंग बड़ी होकर एक लॉयर बन गई थी। तब चीफ उसे ली के सारे पुराने फाइल्स देता है। अब वो अपने पापा के लिए फिर से लड़ना चाहती थी। तब वो ली के सारे फ्रेंड से मिलती है। अब वो सब सुधर गए थे और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे और वो विटनेस बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। येसंग अपने पापा के बारे में सब कुछ बताती है
कि कैसे एक विटनेस के स्टेटमेंट को सच समझकर ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और सारे पॉइंट्स बताती है। तब ये पूरी स्टोरी सुनकर जज ये डिसीजन लेते हैं कि ली के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं थे और उसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया। ली बिल्कुल इनोसेंट है, ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। येसंग बहुत रोती है, देर से ही सही पर वो अपने पापा को इंसाफ दिला पाई। अब जेल में इस बलून को देखकर उसे उस पैराशूट की याद आ जाती है और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।